हेलो राइडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप अगर कम पैसे में पावरफुल स्पेसिफिकेशन लोडेड एंड फ्यूचरिस्टिक स्कूटी ढूंढ रहे हो, वो भी अच्छी माइलेज के साथ, सो ये स्कूटी आपके लिए सही रहेगा। ये है TVS Ntorq सुपर स्क्वाड कैप्टन अमेरिका वाला मॉडल। आप अगर स्कूटी के बारे में इंटरेस्टेड हो तो आज के वीडियो आपके लिए सही होगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इसकी स्पेसिफिकेशन, पावर, ऑन रोड प्राइस, माइलेज के बारे में। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो, आपको बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को मेरा सब्सक्राइब करना है और ये वाला वीडियो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करने हैं। तो चलिए मिलते हैं वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन रोड प्राइस ऑफ दिस स्कूटी। आपको ये वाला स्कूटी लेने के लिए 1,10,000 रुपीज देना होगा दोस्तों 2021 पर। आपकी स्टेट वाइज प्राइस थोड़ी सी कम या फिर ज्यादा हो सकता है। स्कूटी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा आई कैची लगता है दूर से। और भी स्कूटी को आई कैची एंड अट्रैक्टिव दिखाने के लिए यहाँ पर जो कैप्टन अमेरिका का थीम यूज हुआ है, कैप्टन अमेरिका को छोड़कर आपको ब्लैक पैंथर एंड आयरन मैन का थीम भी स्कूटी पर आपको देखने को मिल जाता है सुपर स्क्वाड वाला वर्जन पर। स्कूटी को यूथ के लिए स्पेशल डिजाइन किया गया है। एंड बात किया जाए स्कूटी की बॉडी ग्राफिसिंग की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ्रंट पर आपको विंडशील मिल जाता है तो फाइबर के साथ आता है एंड ग्लॉसी ब्लैक पेंट के साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। टर्न सिग्नल इंडिकेटर भी काफी स्टाइलिश हैलोजन बल्ब के साथ आपको मिल जाता है। फ्रंट पर आप लोग देख सकते हो ब्लैक ग्लॉसी पेंट यूज हुआ है, जो कि ब्लू साइड पर आप लोग देख सकते हो TVS की जो ब्रांडिंग है 3D के साथ आता है। एंड यहाँ पर Ntorq की बैजिंग आप लोग यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर प्लेट एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एवेंजर का लोगो। फ्रंट साइड की अगर बात किया जाए हेडलैम्प की, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो DRL के साथ आता है, जो टी शेप के साथ आता है। एंड फ्रंट हेडलैम्प बहुत ज्यादा तगड़ा पावरफुल, और ये LED लैंप आपको बहुत ज्यादा विजिबल देगा आप जब इसको नाइट पर राइड करोगे। एंड बात किया जाए फ्रंट साइड की मडगार्ड की, यहाँ पर देख सकते हो ब्लैक एंड ब्लू दोनों कलर की यहाँ पर यूज हुआ है एंड बहुत ज्यादा फिनिशिंग के साथ। यहाँ पर सुपर स्क्वाड बैजिंग के साथ 41 एंड कैप्टन अमेरिका थीम यहाँ पर यूज हुआ है, अच्छे तरह से आप लोग नोटिस कर सकते। किल स्विच की ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि इस सेगमेंट की स्कूटी के ऊपर आपको ऐसा किल स्विच नहीं मिलता। एंड हैजर्ड के ऑप्शन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, चारों इंडिकेटर आप एक साथ जलेगा, जो कि नाइट पर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, यहाँ पर आप लोग नोटिस कर सकते हो, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। एंड किल स्विच आपको यहाँ पर मिल जाता है, ये मिरर है दोस्तों जो कि बहुत ही शानदार होता है एंड थ्रोटल बहुत ज्यादा कंफर्ट है। बात किया जाए रियर साइड की, सो यहाँ पर सीट थोड़ी सी छोटा किया गया है स्टाइलिश दिखाने के लिए। एंड जब इसके अंदर आप कीज घुसाओगे, कीज को राइट साइड मुड़ते ही सीट जो है वो ओपन हो जाता है एंड आपको तगड़ा यहाँ पर अच्छा खासी पेस मिल जाता है। आप अगर चाहते हो यहाँ पर हाफ फेस हेलमेट इजी रख सकते हो एंड यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट देख सकते हो। एंड आप अगर यहाँ पर नाइट के लिए यूज करते हो तो यहाँ पर एक लाइट भी दिया हुआ है दोस्तों। एंड ये है दोस्तों चार्जर सॉकेट, जो कि आप लोग देख सकते हो और फर्स्ट एड के लिए यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो। एंड ये है सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए, स्कूटी का अगर कोई अपडेट आता है तो इससे आप स्कूटी को अपडेट कर सकते हो। कीज को लेफ्ट साइड मुड़ते यहाँ पर फ्यूल टैंक की कैप ओपन हो जाता है एंड यहाँ पर आपको 5.3 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। एंड बात करते हैं स्कूटी की माइलेज के बारे में, सो यहाँ पर आपको, आप अगर स्कूटी को लेके हाईवे पे जाते हो तो डेफिनेटली आपको 45 तक माइलेज मिल जाएगा दोस्तों। इंजन एंड पावर की अगर बात किया जाए, सो यहाँ पर आपको 124.8 सीसी इंजन मिल जाता है, जो 9.8 bhp पावर प्रोवाइड करता है। 10.5 Nm ऑफ टॉर्क यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। एंड इस बाइक पर आपको सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2-वाल्व एयर कूलिंग की इंजन मिल जाता है, जिससे इंजन काफी रिफाइन हो जाता है एंड फ्यूल इंजेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिससे माइलेज काफी इंक्रीज हो जाता है इस स्कूटी पर। फ्रंट पर आपको 220mm डिस्प्ले के साथ 100x80 सेक्शन का टायर मिल जाता है 12 इंचेस अलॉय व्हील के साथ। एंड आपको फ्रंट पर कोई भी ABS का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इस स्कूटी पर कोई भी ABS का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर आपको CBS की ऑप्शन देखने को मिल जाता है दोस्तों। एंड रियर साइड की अगर बात किया जाए तो रियर साइड आप लोग देख सकते 110x80 सेक्शन का टायर मिल जाता है 130mm ड्रम ब्रेक के साथ ही। रियर पर आपको कोई भी डिस्प्ले नहीं देखने को मिल जाता है, रियर पर आपको रेडियल टायर देखने को। बात करते हैं सीट हाइट के बारे में, सो मेरा हाइट है 172, सो मेरा हाइट के हिसाब से आप अपना हाइट की एडजस्ट कर सकते हो दोस्तों। सो यहाँ पर देख सकते हो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है, दोनों साइड मेरा पैर ठीक से जमीन तक पहुंच रहा है एंड यहाँ पर स्पेस थोड़ी सी कम दी। आप अगर अपने पैर को कंफर्ट के लिए घुमाकर रखना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है दोस्तों, यहाँ पर अपने पैर को अब फ्रंट की ओर ही रखना होगा। सीट हाइट में कोई भी इश्यूज नहीं आएगा एंड जब भी आप स्कूटी के ऊपर बैठोगे तो आपको थोड़ी सी कम्फर्ट फील लगेगा। अब एक राइड लेने के बाद मैं आपको बताऊंगा स्कूटी पर आपको इंस्टेंट थ्रॉटल पावर कितना मिलता है, ब्रेकिंग पावर कैसा है, तो चलिए राइड टेस्ट लेते हैं।
तो स्कूटी को ऑन करते ही यहाँ पर मीटर कंसोल पर देख सकते हो बाइक की जो ओनर की नेम है टिंकू खान वो यहाँ पर शो कर रहा है एंड स्कूटी मुझे हेलमेट के लिए रिकमेंड कर रहा है। सो ये मुझे बहुत ही बढ़िया फीचर्स लगा। एंड इस मीटर कंसोल पर आपको जो ब्लूटूथ के ऑप्शन मिल जाता है एंड यहाँ पर बच्चे सारे खेल रहे हैं। सो ब्लूटूथ के ऑप्शन के साथ आप इस फोन को अपनी फ़ोन को स्कूटी से कनेक्ट कर सकते हो। किल स्विच और ये हैजर्ड और ये हुए स्टार्ट। सो स्टार्ट करते हैं बाइक की जो एग्जॉस्ट नोट है बहुत ही प्यारा साउंड दे रहा है। एग्जॉस्ट नोट बहुत ही अच्छा हो रहा है एंड यहाँ पर जो थ्रॉटल है ना बहुत ही कम्फर्ट फील आ रहा है मुझे। थ्रॉटल पकड़ के ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कम्फर्ट यानी कि थ्रॉटल बहुत ज़्यादा कम्फर्ट फील कराता है। एंड यहाँ पर देख सकते हो फिलहाल स्कूटी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करके मैं आपको बताता हूँ साउंड एग्जॉस्ट नोट बहुत ही प्यारा दे रही है ये आपको जेन्युइन कहना होगा। एग्जॉस्ट नोट बहुत ही प्यारा है। 127 पे आपको ऐसा एग्जॉस्ट नोट किसी और स्कूटी पर देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल ये तो एक ऑफ रोड सा है। सो देखते हैं ऑफ रोडिंग पर कैसा कम्फर्ट फील है। सो अभी तो मैं ऑफ रोड कर रहा हूँ बट मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मैं ऑफ रोड कर रहा हूँ। तो सीट बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट है। बाइक पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है जिससे इसकी जो कंफर्ट रहता है वो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। सो ऑफ रोड मुझे लग नहीं रहा है कि मैं अभी ऑफ रोड कर रहा हूँ। सब देखते हैं इसकी पावर कितना है। थ्रॉटल पावर इंस्टेंट कितना जाता है।